आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आज का शब्द है वर्ड ऑफ द डे हवन। यूट्यूब पर पहली बार देखें हवन की अंग्रेजी। घर घर में आजकल हवन होता है, हो रहा है, लेकिन हवन की अंग्रेजी 99.9% लोगों को नहीं आती। देखें आज हवन की अंग्रेजी होती है फायर सैक्रिफाइस। फायर सैक्रिफाइस, छोटा हवन, शॉर्ट फायर सैक्रिफाइस, ये होती है इसकी अंग्रेजी छोटा हवन। बड़ा हवन की अंग्रेजी होती है बिग फायर सैक्रिफाइस। हवन सामग्री की अंग्रेजी होती है मैटीरियल फॉर फायर सैक्रिफाइस। हवन के मंत्र की अंग्रेजी होती है हिम्स एट फायर सैक्रिफाइस। आज हवन हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं आज हवन हो रहा है, हमारे घर आज हवन है, आज हवन हो रहा है हमारे घर। फायर सैक्रिफाइस इज बीइंग परफॉर्म्ड टुडे। फायर सैक्रिफाइस इज बीइंग परफॉर्म्ड, आज हवन हो रहा है इन आवर हाउस, हमारे घर में टुडे आज। फायर सैक्रिफाइस इज बीइंग परफॉर्म्ड इन आवर हाउस टुडे, आज हमारे घर हवन हो रहा है। मैं आज हवन कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग फायर सैक्रिफाइस टुडे, आज मैं हवन कर रहा हूं, आज वो हवन कर रहा है, ही इज परफॉर्मिंग फायर सैक्रिफाइस टुडे, आज वो हवन कर रहा है, आज वे हवन कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग फायर सैक्रिफाइस टुडे। कल हमारे घर बड़ा हवन होगा, कल हमारे यहां बहुत सारे लोगों के यहां होगा ए बिग फायर सैक्रिफाइस। ये वास्तविकता है, आज भी बहुत सारे हवन हुए हैं लगभग सभी हिंदू घरों में, और कल भी होंगे, यानी कल हमारे यहां बड़ा हवन होगा, ये कहने वाले करोड़ों लोग हैं। ए बिग फायर सैक्रिफाइस विल बी परफॉर्म्ड इन आवर हाउस टुमारो, कल हमारे यहां बड़ा हवन होगा। इसकी अंग्रेजी अच्छी तरह देख ले, फिर बोलता हूं। ए बिग, अगर छोटा हवन होगा, ए शॉर्ट फायर सैक्रिफाइस विल बी परफॉर्म्ड इन आवर हाउस टुमारो। छोटा और बड़ा हवन दो प्रकार का होता है, अब बड़ा होगा तो बिग फायर सैक्रिफाइस लिखेंगे। ए बिग फायर सैक्रिफाइस विल बी परफॉर्म्ड इन आवर हाउस टुमारो, कल हमारे यहां बड़ा हवन होगा। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।